In this session, we will talk about various types of data pattern which are possibly present in time series data. Actually, knowledge of the data pattern is very important because the selection of appropriate forecasting technique and the smoothing technique very much dependent on the data pattern. So we will be in the position to learn from these patterns that in which situation, which kind of statistical analysis and which kind of forecasting technique will be helpful. Here we can see that the basic process is actually a constant process. So if we consider a constant process in a deterministic actually process, then we will have a straight horizontal line. But with the presence of random error, we will observe some kind of fluctuations around this horizontal line. So, अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जो कि बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है, अगर तो वो डिटर्मिनिस्टिक है जो कि किसी फिजिकल टाइम सीरीज में पॉसिबल है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर फिनोमेनन जिनको हम स्टडी कर रहे होंगे वो स्टोकास्टिक होंगे, तो उसमें नॉइज जो है और रेंडम एरर वो प्रेजेंट होगा। तो रेंडम एरर की प्रेजेंस एक्चुअली उसको फ्लक्चुएट करवाएगी, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना रही होगी अगर वो रैंडम एरर की वजह से। हम वहां से कोई सिग्नल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे और रैंडम एरर एक्चुअली सिर्फ हमें नॉइज दे रहा होगा। जो सेकंड टाइप है उसको हम पल्स कहते हैं। पल्स में जो हमारा पैटर्न है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह से बनता है, कॉन्स्टेंट प्रोसेस की तरह, लेकिन कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद वो प्रोसेस जो है एक जंप लेता है, जिसकी वजह से इसको पल्स हम कहते हैं। अगर ये विदाउट एरर है तो ये बिल्कुल एक स्मूथ लाइन की तरह से नजर आएगा, जिसमें कुछ इंटरमिटेंट हमें कोई पीक्स नजर आएंगी। लेकिन अगर रैंडम एरर में यानी एक स्टोकास्टिक प्रोसेस में देखा जाए तो कुछ नॉइज चलता रहेगा, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो एक पीक बनाएगा और ये पीक जो है वो रिपीट हो सकती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम पल्स कहते हैं, ऐसे पैटर्न को। जो थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न है जिसको हम रैंप बोलते हैं, अगर वो नॉइज के बगैर है तो वो पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि पहले तो डेटा एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा और उसके बाद वो एक स्लोप शो करेगा, जिसके बाद वो दोबारा फिर स्टेबल हो जाएगा। और यही पैटर्न अगर हमें विद रैंडम एरर मिलेगा तो सेम पैटर्न रिपीट होगा कि हॉरिजॉन्टल, फिर कुछ स्लोप और फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन ये कुछ रैंडम फ्लक्चुएशंस के साथ होगा। जो लास्ट टाइप ऑफ डेटा है, डेटा पैटर्न जिसको हम स्टेप पैटर्न कहेंगे, उसमें जो डेटा सेट है वो एक सर्टेन लेवल पे रहेगा और उसके बाद वो जंप लेगा और जंप के बाद वो फिर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें एरर नहीं है तो ये बिल्कुल एक स्मूथ मूवमेंट की तरह से चलेगा, लेकिन रैंडम एरर की प्रेजेंस जो है वो उसको बिट नॉइजी कर देगी, लेकिन जो जनरल पैटर्न है वो उसी तरह से रहेगा। तो कांस्टेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और जो पल्स प्रोसेस है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अ जंप, और फिर वो वापस अपनी उस हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे उसी लेवल पे आ जाएगा। रैंप में टाइम सीरीज या डेटा जो है वो एक सर्टेन लेवल पे चल रहा होगा, जिसके बाद वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ एक हायर लेवल पे पहुंचेगा, जहां पर जाके वो फिर स्टेबल हो जाए। जबकि स्टेप में वो डेटा एक सर्टेन लेवल पे मूव कर रहा है, जिसके बाद एक सडन जंप आएगा और वो एक न्यू लेवल मेंटेन कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट टाइप में कोई लेवल में कोई शिफ्ट नजर नहीं आ रही, सेकेंड पल्स में जो शिफ्ट है वो टेम्परेरीली है फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, और उसके बाद वो वापस अपने लेवल पे आ जाता है। रैंप में वो एक सर्टेन लेवल से दूसरे लेवल पे जब मूव करता है तो वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज है, जबकि स्टेप में वो लेवल को शिफ्ट करेगा सडनली। तो इस तरह से हम डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो टाइम सीरीज में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ट्रेंड कंपोनेंट और सीजनैलिटी बोलते हैं, उनकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर तो टाइम सीरीज में ट्रेंड ना प्रेजेंट हो तो
वो टाइम सीरीज जो है वो बिल्कुल एक जनरली एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलेगी। अच्छा, अगर उसमें सीजनैलिटी आ जाती है तो वो अपना उस हॉरिजॉन्टल लेवल तो टाइम सीरीज का उसी तरह से रहेगा, लेकिन उसके अराउंड जो फ्लक्चुएशंस हैं वो कुछ किसी पैटर्न पे हैं जो कि इंडिकेट करेंगी कि कुछ पीरियोडिक चेंजेस आ रही हैं। अगर सीजनल कंपोनेंट मल्टीप्लीकेटिव हो जाए तो उसकी वजह से और ट्रेंड मौजूद नहीं है तो टाइम सीरीज का जनरल लेवल तो उसी तरह से रहेगा, और सीजनल कंपोनेंट की मल्टीप्लीकेटिव की वजह से उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इंटेंस होती जाएंगी, जिसकी वजह से वो मैग्नीट्यूड वो बढ़ता जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा कि उसके वेरिएंस में भी चेंज आ रही है। अगर ट्रेंड एडिटिव हो तो उसमें एक लीनियर जो उसका टाइम सीरीज का लेवल है उसमें आपको एक लीनियर ग्रोथ नजर आएगी, जनरली वो एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। और जो अगर उसमें सीजनल कंपोनेंट मौजूद हो तो वो उसी के अराउंड उसी तरह से फ्लक्चुएशन शो करेगा, जबकि अगर मल्टीप्लीकेटिव ट्रेंड होगा तो इसकी वजह से टाइम सीरीज के लेवल में जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो आपको एक नॉन लीनियर फॉर्म में नजर आएगी, जैसा कि इस बिहेवियर में नजर आ रहा है। जबकि सीजनल कंपोनेंट का एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव होना वो इसी तरह से होगा कि अगर वो एडिटिव है तो जनरली टाइम सीरीज के लेवल के अराउंड जो उसका स्प्रेड है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि अगर वो मल्टीप्लीकेटिव है तो उसके अराउंड जो उसका वेरिएंस है वो उसमें चेंज आती जाएगी, एक सिस्टमेटिक चेंज इन द वेरिएंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम सीरीज का जो डेटा पैटर्न है इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इस डेटा पैटर्न को ही कंसिडर करते हुए एक अप्रोप्रिएट स्मूदिंग मेथड या फोरकास्टिंग मेथड को सिलेक्ट करना चाहेंगे।